अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैमरा। हम ज़ाहिर मुख्तलिफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक था वो कैमरा का था। अब पिक्चर अगर आप देखें स्टार्ट में टाइटल में, तो आपको एक पुराने टाइप का कैमरा नज़र आ रहा है, एक आपके पास ये बड़ा जदीद किस्म का मोबाइल कैमरा नज़र आ रहा। तो इनकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली फोटोग्राफिक कैमरा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम इससे पिक्चर वगैरह बनाते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि इस फिगर में भी नज़र आ रहे हैं। उसमें आपके पास एक लाइट टाइट चैम्बर है, एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर लाइट सिर्फ एक साइड सेंटर होती है, उसके अलावा बाकी तमाम साइड जो हैं वो बंद होती हैं। और इस साइड में भी आपके पास एक इनकी विंडो होती है जिसको टाइम के साथ इसको बंद भी किया जा सकता है और ज़रूरत के टाइम सिर्फ इसको ओपन किया जाता है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तभी हम इसको एक ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं। आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस यहाँ मौजूद है जो कि बाहर से आने वाली लाइट को कन्वर्ट करता है और एक इमेज क्रिएट करने में मदद प्रोवाइड करता है। उसके बाद एट द एंड एक लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट होता है यहाँ पे, जिसके ऊपर एक इमेज क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी, अब ये लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट क्या होता है। स्टार्ट में आपके पास एक जो पुराने कैमरे होते थे उसमें एक आपके पास फिल्म होती थी जिसके ऊपर एक फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा होता था, और उसके ऊपर जैसे ही आके लाइट पड़ती थी वो लाइट अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से, अपनी टाइप के लिहाज से, वेवलेंथ के लिहाज से उसके ऊपर अपना एक इमेज छोड़ देती थी, और फिर हम उसको डिवेलप करते थे और उसको पेपर के ऊपर एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देते थे। और जदीद दौर में आपके पास डिजिटल कैमराज आ गए, उसमें चार्ज कपल डिवाइसेस हैं CCD जिनको कहा जाता है, जिनके ऊपर लाइट की वजह से बेसिकली चार्ज की एकोमोडेशन होती है, और वो चार्ज की एकोमोडेशन जो होती है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है एक बाइनरी कोड में, और इस तरह एक इंफॉर्मेशन को जो स्टोर किया जाता है। ठीक है, अच्छा अभी हम वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें दो और चीज़ें हैं जिसमें एक अपर्चर है और एक शटर भी मौजूद है। शटर आपके पास, अपर्चर बेसिकली यहाँ पे मौजूद होता है, ये बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है वाइड, तो आप अपर्चर को वाइड ओपन कर दें। अगर इंटेंसिटी कम करनी है तो इस अपर्चर की आप जो विड्थ है उसको आप कम कर सकते हैं, इसका जो होल होगा होल साइज उसको आप कम कर देंगे। उसके बाद एक शटर है जो कि इस लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट को कवर करता है, और ये सिर्फ उस वक्त खुलेगा जिस वक्त आप यहाँ से इमेज को कैप्चर करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे। ये बेसिकली इस शटर को ओपन करेगा, और फॉर अ शॉर्ट मोमेंट आपके पास जो लाइट बाहर से आ रही होगी, जो कि कन्वर्ज हो रही होगी, वो आके यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी, इसके ऊपर पड़ेगी और यहाँ पे सेव हो जाएगी, उसके बाद ये शटर फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपके पास ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पी जो कि लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान है, और उसके बाद लेंस और जो आपके पास लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट है उसके दरमियान डिस्टेंस क्यू दिया गया है। आमतौर पर जो कैमराज होते हैं उसमें क्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ़ के बराबर होता है, यानी कि आपने ये जो लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट होता है उसको आपने इस लेंस की फोकल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया हुआ होता है। ठीक है, तो उससे आपके पास क्या होता है, जाहिर है आपको पता है कि जब भी लाइट पैरेलल रेज आती हैं और वो जब कन्वर्ज होती हैं फोकल पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पर वो क्या होता है आपके पास एक शार्प इमेज क्रिएट करती हैं। अच्छा, और उसके बाद आपके पास एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, और कन्वेक्स लेंस आपके पास अपोजिट साइड पे इमेज क्रिएट कर रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करता है और रियल इमेज क्रिएट करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट तो डिजिटल कैमरा की बात की, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको
एक स्क्रीन भी नज़र आ रही होती है जो आपको आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी शो कर रही होती है, और आपको वो एरिया भी दिखा रही होती है जिसको उस वक्त आप कैप्चर करना चाह रहे होते हैं। तो इसके अंदर जूम इन जूम आउट के ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, तो आप इस स्क्रीन के ज़रिए से उसको जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। और फिर अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास इस तरह के फोकस भी मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए से आप इन लेंसेज का डिस्टेंस वगैरह चेंज करके तो फोकस को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि इमेज वेल फोकस्ड है या नहीं। ठीक है जी, तो डिजिटल कैमरा के भी सेम पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास एक मैनुअल कैमरा के थे या एक मैकेनिकल कैमरा के अंदर मौजूद थे। तो फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें आपके पास जो लाइट सेंसिटिव पार्ट था वहाँ पे हम एक पेपर फिल्म रखते थे, यानी कि वो प्लास्टिक की पेपर फिल्म जिसकी फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता था। और इस डिजिटल कैमरा के अंदर आपके पास चार्ज कपल डिवाइस होती है जो कि इमेज से जो उसके ऊपर आके बनता है, जो चार्ज क्रिएट होता है उसके रिस्पेक्टिव वो क्या करता है कि बाइनरी कोड क्रिएट कर देता है। क्योंकि आपके पास आपको पता है कि जितनी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो, डाटा का फ्लो, डाटा का स्टोरेज, ये सारे सारी चीज़ें जो हैं ये बाइनरी कोड की फॉर्म में होती हैं। अच्छा, उसके बाद डिजिटल इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर्ड ऑन अ मेमोरी चिप, आपके इसके अंदर मेमोरी चिप भी प्रोवाइड की गई होती है। वहाँ पे आप इस बाइनरी कोड में जो इंफॉर्मेशन होती है डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, उसको फिर आप अपने कैमरा की इस स्क्रीन के ऊपर भी दे सकते हैं, और आप उसको उस मेमोरी कार्ड के ज़रिए से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, या फिर उस पिक्चर को आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और पेपर के ऊपर प्रोड्यूस करके अपना एक फिजिकल एल्बम जो है वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वर्किंग ऐसी होती है कि कैमरा का जो फोकस होता है उसको आप, मैंने पहले बताया कि ये आपके पास एक लेंस होता है जिसको आप अगर इमेज जो है वो आपके पास सही नहीं बन रहा, ब्लर्ड बन रहा है, तो आप इसको और डिस्टेंस जो है वो चेंज करके इसको एग्जैक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर लेके आ सकते हैं ताकि आपके पास जो इमेज जो क्रिएट हो वो क्या हो, वेल यानी कि फोकस्ड हो और शार्प इमेज बने। तो ये जो डिस्टेंस होता है क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाज़ अकात आपके पास जो लेंस और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ से जो रेज होती हैं लाइट रेज वो इसके एग्जैक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर कन्वर्जन नहीं हो पा रही होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एब्रेजन आ जाती हैं या आप ये समझें कि फोकस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तब आप क्या करते हैं, इस लेंस को मूव करवाते हैं, मूव करवा के इसका जो डिस्टेंस डी होता है उसको आप वेरी करते हैं, वो डी ये डिस्टेंस होता है जिसको आप क्यू कह रहे हैं वे, तो जब डी इज इक्वल टू क्यू हो जाता है, सॉरी एफ हो जाता है, तो उस वक्त आपके पास एक शार्प इमेज जो है वो बन जाता है। तो अब लेंस और सीसीटी के दरमियान वही डिस्टेंस जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको आपको करते हैं। उसके बाद द शटर पोजीशन बिहाइंड द लेंस, यहाँ पे आपको हमने एक शटर दिखाया था जिसने कवर किया हुआ था इस सीसीटी को, या लाइट सेंसिटिव जो पार्ट था उसको कवर किया हुआ था। वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है और वो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हमेशा ओपन होता है कि जब उसमें लाइट एंटर होनी होती है और सीसीडी को एक्सपोज करना होता है तो उस वक्त सिर्फ वो ओपन होता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। तो जितनी देर के लिए ये ओपन होता है और लाइट जो है वो इससे पास करके सीसीडी तक पहुंचती है, इस टोटल टाइम को एक्सपोजर टाइम्स कहा जाता है। ठीक है जी, और ये डिपेंड करता है बाज़ औक़ात कि आपको एक्सपोजर टाइम ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो फोटो कैप्चर एनवायरनमेंट है वो कैसा है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत शॉर्ट एक्सपोजर टाइम चाहिए होते हैं, तो और बहुत बाज़ अवकात ऐसा होता है जहाँ पे लाइट कम होती है, आपने अंधेरे में कोई पिक्चर लेनी होती है तो वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स लेने के लिए आपको जो एक्सपोजर टाइम है तो वो ज़्यादा चाहिए होता है। आमतौर पर आप सिंपल वर्किंग मोड में कभी एक्सपीरियंस करेंगे डिजिटल कैमरा,
आप दिन में कोई इमेज लें तो आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं फौरन से हल्की सी एक टिक के साथ आपको लगता है कि शटर ओपन हो और फौरन से बंद हो गया हो। लेकिन जब आप रात को कोई आप इमेज लेते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि आप क्लिक करते हैं लेकिन जो शटर होता है उसका जो क्लिक टाइम होता है वो थोड़ा डिले होता है कि वो खुलता है और उसके बाद जब बंद होने का टाइम होता है उसके और खुलने के दरमियान थोड़ा डिले होता है। वो जो टिक होती है जो आपको दो आवाज़ें आती हैं उनके दरमियान काफ़ी गैप होता है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने इस डिजिटल कैमरे के साथ ये एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। इसलिए हम अक्सर अच्छा उसी के बाद अगर आप उसको फ़ौरन आप एक्सपीरियंस करेंगे आप उसका जो जिसे आप लाइट जो है वो उस पर डाल सकते हैं, अगर आप वही पिक्चर अंधेरे की बजाय लाइट में जा के लें फौरन किसी ऐसे कमरे में जहाँ पे लाइट जल रही है तो वहाँ पे जो है वो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि फौरन से शटर की स्पीड दोबारा से तेज़ हो जाएगी। और इवन अगर आप उसका फ्लैश ऑन कर लें तो अंधेरे में एक पिक्चर आप बगैर फ्लैश के लें और दूसरी फ्लैश के साथ लें तो आप को फील होगा कि जो शटर स्पीड है वो दोनों टाइम पे डिफरेंट थी। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, लाइट कम आ रही होती है तो वहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपोजर टाइम को बढ़ाना पड़ता है ताकि वो एक अच्छा इमेज जो है वो हासिल कर सके। अच्छा अब उसके बाद ये होता है कि शार्प इमेज बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि एक तो अंधेरे की बात होगी, दूसरा ये होता है कि बाज़ोकात ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रैवल कर रही होती हैं, आप मूवमेंट में इमेज लेना चाहते हैं और स्टिल इमेज लेना चाह रहे होते हैं। एक तो मूवी बनाते हुए अलग बात है लेकिन आप एक स्टिल इमेज लेना चाहते हैं और बॉडी जो है वो मूवमेंट में है, आप मूवमेंट में हैं तो आप चाहते हैं कि एक अच्छा इमेज आए, जबकि आप जब कैमरे से इमेज लेते हैं और जब उसको देखते हैं तो ब्लर आ रहा होता है। उसमें फिर क्या होता है, फिर वो यही होता है कि आपको जो शटर टाइम होता है, जो एक्सपोजर टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो अब जितना उसमें आप ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से आपके पास वो ब्लर्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आप एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का या मूविंग ऑब्जेक्ट का इमेज लेना चाह रहे हैं और साथ में आपका हाथ भी मूव कर रहा है तब भी क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम शटर ओपन है और आपका हाथ भी मूव करता है, कैमरा भी आप मूव करवाते हैं, तब भी आपके पास जो इमेज होगा वो ब्लर्ड इमेज क्रिएट होगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो शॉर्ट एक्सपोजर टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने कैमरे का, और दूसरा ये है कि तस्वीर खींचते हुए कैमरा ना हिले उसके लिए आप क्या करें, ये ट्राईपॉड यूज़ करें। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं इन्होंने ट्राईपॉड यूज़ किया हुआ कि वही शाम का टाइम है, एक्सपोजर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है और इस टाइम जो इमेज लेते हैं उसके एक्सपोजर टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो इसने दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे ज़ाहिर है कैमरे एक्सपोजर टाइम ज़्यादा किया होगा और दूसरा ट्राईपॉड यूज़ किया ताकि इमेज लेते हुए कैमरा जो है उसकी मूवमेंट ना हो, ताकि वो इमेज जो है वो ब्लर ना हो और उसमें किसी किस्म की एब्रेशन जो है वो पिक्चर में जो लेंस है उससे प्रोड्यूस ना हो। तो आमतौर पे जो ये शटर स्पीड होती है ये जिसको एक्सपोजर टाइम कहा जाता है आप 1/30 सेकेंड यूज़ करते हैं, 1/60 सेकेंड है, 1/25 और 1/250 सेकेंड। तो 1/250 सेकेंड आप देखेंगे इंतहाई शॉर्ट एक्सपोजर टाइम आपके पास, जबकि 1/30 आपके पास एक यानी कि जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं वो एक एक्सपोजर टाइम है। तो इन प्रैक्टिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर नॉर्मली शॉर्ट विद एन इंटरमीडिएट। नॉर्मल जो आपके पास जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपने किसी बिल्डिंग की पिक्चर लेनी है, किसी आप नेचुरल सीनरी की पिक्चर ले रहे हैं या आप दोस्तों के साथ खुद सामने खड़े हुए और उसकी पिक्चर ले रहे हैं, तो वो आमतौर पर उसकी शटर स्पीड जो होती है वो 1/60 सेकेंड होती है। ये नॉर्मल इमेज जो है वो आप इस शटर स्पीड के साथ जो है वो कैप्चर करते हैं। अब उसके बाद इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसको समझना कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, फोकल पॉइंट कहाँ पे है और उसके बाद इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, तो इसको समझना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप लाइट से एक्सपोज करते हैं सीसीडी को तो वो बेसिकली
आप एक एरिया को एक्सपोज कर रहे होते हैं, वो एरिया को कितना एरिया होगा वो ज़ाहिर है डिपेंड ये करता है कि आप लेंस के कितने हिस्से को यूज़ कर रहे हैं सीसीडी को एक्सपोज। अगर लेंस का सिर्फ सेंट्रल पार्ट यूज़ हो रहा है इसका मतलब ये कि सीसीडी का भी बहुत ज़्यादा पार्ट यूज़ नहीं होगा। अगर पूरा लेंस यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कि सीसीडी का भी पूरा आपके पास एरिया यूज़ होगा। तो ये बेसिकली डायमीटर जो है सीसीडी का एरिया वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंटेंसिटी आई ऑफ द लाइट रीचिंग द सीसीडी, अब इंटेंसिटी जो लाइट की सीसीडी तक पहुँच रही है इस प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेंस। लेंस का जितना एरिया यूज होगा आपके पास लाइट की इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। बिकॉज दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डायमीटर डी। अब ये डी क्या है, ये बेसिकली डिस्टेंस है आपके पास, जो वो डिस्टेंस है जो आपके पास सीसीडी और लेंस के दरमियान है। इट फॉलोज दैट आई इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू डी स्केयर, क्योंकि अब जाहिर आपके पास ये जब आगे जाएगा तो ये एक एरिया बनाएगा, उस एरिया को आपने क्या करना है डायमीटर का स्केयर ले लेना, जैसे आप किसी सर्कल का एरिया ले लिया ना। लाइट इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द सीसीडी पर यूनिट एरिया ऑफ द इमेज। ठीक है जी, तो ये लाइट इंटेंसिटी आई जो है वो बेसिकली वो एनर्जी है कि जो सीसीडी के ऊपर जितने एरिया में पड़ रही है तो वहाँ पे कितनी एनर्जी उसको रिसीव हो रही है। उसके बाद बिकॉज एरिया ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्केयर, क्यू क्या आपके पास लेंस से लेकर जो इमेज क्रिएट हो रहा है सीसीडी के दरमियान का डिस्टेंस है ये बेसिकली वो है, और क्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ। हमने कहा था कि फोकल पॉइंट के ऊपर हमने एडजस्ट करना है, जब आप इमेज को सीसीडी को लेंस के फोकल पॉइंट के ऊपर एडजस्ट करेंगे तभी आपके पास क्या होगा इमेज जो है वो शार्प क्रिएट होगा। अच्छा, अब फोकल पॉइंट के ऊपर तमाम की तमाम रेज कन्वर्ज हों तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है कि अगर लेंस की दूसरी साइड से तमाम रेज जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं तो वो जैसे ही लेंस से टकराएंगी तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी कहाँ पे, उसके फोकल पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए आपके पास पी जो है वो क्या है, पी आपके पास वो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को लेंस के जो दूसरी साइड पे फोकल पॉइंट है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होना चाहिए। जब वो काफ़ी ज़्यादा दूर होगा इसका मतलब ये है कि उससे आने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल पड़ेंगी लेंस के ऊपर, और जब पैरेलल पड़ेंगी तो वो फिर कन्वर्ज हो जाएंगी किसके ऊपर, फोकल पॉइंट के ऊपर। तो अब इस इमेज को अगर वो बहुत ज़्यादा दूर होगा तो आप ये समझ लेंगे कि इनफाइनाइट इमेज है, तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ऑलमोस्ट हमेशा जो है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसमें अब आप इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू वन ओवर एफ स्क्वायर एंड देयर फॉर आई इज प्रोपोर्शनल टू या ऑलमोस्ट इक्वल टू डी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। तो रेशियो जो है एफ ओवर डी, एफ आपके पास फोकल पॉइंट है, डी आपके पास वो डिस्टेंस है या डायमीटर है स्केयर का, और इसको आप कहते हैं एफ नंबर, और एफ नंबर जो है वो एफ ओवर डी के बराबर है। अच्छा, अगर आप इंटेंसिटी और इसका रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये प्रोपोर्शनल है वन ओवर एफ डी होल स्केयर के, और इसको आप एफ नंबर कहते हैं एफ ओवर डी को, तो इसलिए वन ओवर एफ नंबर होल का स्केयर है। तो एफ नंबर जो है इज़ ऑफन गिवन एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेंथ स्पीड। एफ नंबर जो है वो लेंस की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जितना एफ नंबर कम होगा अपर्चर आपके पास उतना ज़्यादा होगा और आपके पास क्या होगा लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा एक्सपोज होगी सीसीडी के ऊपर। ठीक है जी, देयर फोर लेंस विद अ लो एफ नंबर इज़ अ फास्ट लेंस, तो उसको हम फास्ट लेंस कहेंगे। फर्ज करें एफ बाई फोर मीन्स, इसका ये हर कोई मतलब नहीं है हम फोकल पॉइंट को चार पे, बल्कि ये वो एफ नंबर है जो हमने अभी ये रेशियो पढ़ी है ना एफ ओवर डी की, ये वो एफ नंबर है। एफ बाई फोर का मतलब ये है कि आपके पास लेंथ जो है एक्सट्रीमली फास्ट है, एक्सपोजर इसका बहुत ज़्यादा होगा, अपर्चर बहुत ज़्यादा खुला होगा, तो लाइट जो है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एंटर होगी और सीसीटीवी भी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप एफ नंबर को बढ़ाएंगे, फर्ज करें यहाँ पर जैसे मैंने इस पॉइंट पे लिखा हुआ है एफ डिवाइड बाई 2.8 है, या एफ बाई फोर है, एफ 0.5, 0.6 है, एफ बाई एट है, एफ बाई 11, एफ बाई 16, आप जितना इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं ना, यानी कि इसका जो डिवीजन फैक्टर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपर्चर स्पीड जो है वो उसको कम करते चले जा रहे हैं।
ठीक है, काम करते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो वो होगा एक्सपोजर टाइम होगा वो कम होता चला जा रहा होगा। ठीक है, तो आप एक इमेज, शार्प इमेज लेने के लिए इसकी सेटिंग जो है वो आप खुद से चेंज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे आपके कैमरा के आगे आपको लेंजेस मिलते हैं और बड़े बड़े लेंजेस होते हैं जिसमें एडजस्टमेंट की होती है, वो बेसिकली एफ नंबर की ही एडजस्टमेंट होती है कि आप जस्ट लेंस को मूव करवाते हैं, उसका डिस्टेंस डी वेरी करते हैं और उसके बाद आप एक अपर्चर नंबर या एफ नंबर सेलेक्ट करते हैं जो कि उस टाइम पे उस एनवायरनमेंट के लिए या उस टाइप ऑफ पिक्चर के लिए आपको चाहिए होता है। तो जब आप एफ नंबर को इंक्रीज करते हैं तो उसका अपर्चर एरिया जो होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, लोएस्ट एफ नंबर सेटिंग ऑन अ कैमरा लेंस कोरस्पॉन्ड टू वाइड ओपन अपर्चर एंड यूज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंस एरिया, तो पॉसिबल लेंस एरिया जो है उसको ज़्यादा करता चला जाता है। तो ये हमारे पास आम तौर पे जो ऐसे कैमराज होते हैं जिसके आगे मूवेबल वो नहीं होता, लेंस नहीं होता, उसका जो एफ नंबर होता है वो f/11 होता है और इससे आप जो है वो ऑलमोस्ट आपका एक्सपोजर आपके सामने कैमरा के सामने जो भी सीनरी होती है वो तमाम के तमाम उसको इमेज में आ जाता है। तो वो जो आप DSLR वाला फार्मूला होता है वो ज़ाहिर है वो सिंपल कैमरा से आप अप्लाई नहीं कर सकते और वो इमेजेस जो है वो आप जिसमें आपके पास सिर्फ फोकस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है बाकी हर चीज़ ब्लर हो जाती है वो आप इनसे नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें हर चीज़ को एक एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है जो भी सामने होता है क्योंकि मैक्सिमम आपके पास लाइट आ रही होती है इसमें, तो इस वजह से यहाँ पे CCD जो है वो उसको कन्वर्ट करता है एक कंप्लीट इमेज के अंदर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर